हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 1 जुलाई 2020। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो बिना देरी किए चलते करंट अफेयर्स पे। लेकिन अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सेशन के करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, जिसके भी साथ आप पढ़ते हैं उनके साथ ये करंट अफेयर्स शेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए उनके साथ। और अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, कुछ ये चीज़ नहीं ऐड होनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप ये जो चीज़ कमेंट सेक्शन में एक्नॉलेज कर सकते हैं। सो लेते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स। द आरबीआई हैज अनाउंस दैट इट इज़ टू कंडक्ट स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑन 2 जुलाई 2020। आरबीआई स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन सेशन विल सी द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाउ मच वर्थ। तो आरबीआई ने हाल ही में एक स्पेशल कंडक्ट लॉन्च किया है ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 जुलाई 2020 को। इसके अंदर क्या होगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो परचेज है वो परचेज और सेल दोनों होगी। सो ये कितने वर्थ की जो परचेज है या फिर सेल है वो होगी। सो इट इज़ ₹10,000 करोड़। सो 10,000 करोड़ की परचेज भी होगी और सेल भी होगी। मतलब अगर कोई भी जैसे इंडिविजुअल है या कंपनीज है जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वो अपना पैसा रिडीम कर सकती है। क्लियर है, वो सिक्योरिटीज़ अपने दे के अपना पैसा रिडीम कर सकती है और वो सिक्योरिटीज़ बाय भी करती है। तो एज सच आरबीआई के लिए तो दोनों हो गया, परचेज भी हो गई और सेल भी हो गई। सो इसकी अमाउंट है 10,000 करोड़। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड एन एडिशनल फंडिंग ऑफ हाउ मच फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड ड्यूरिंग 2021 इन द वेक ऑफ क्लैशेज विद चाइना इन लद्दाख। आपको पता है कि इंडिया और चाइना का अभी डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख में। सो इसको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल फंडिंग की है ताकि जो हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जा सके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड पे। तो इस जो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो फंड एलोकेट करेगी, इसकी अमाउंट क्या है, सो इट इज़ अराउंड 1,691 करोड़। इट इज़ द फंड एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग किल कोरोना कैंपेन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। सो कौन सा राज्य है जो कि लॉन्च करेगा किल कोरोना कैंपेन 1 जुलाई 2020 से। सो द आंसर इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश इज गोइंग टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन। इसके अंदर ये घर घर जाके लोगों को एक्नॉलेज करेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। मतलब उनका एज सच कोरोना टेस्ट नहीं होगा, एक थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और ये देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर सिम्टम्स है अगर कोरोना के, तो उसे जल्दी आइसोलेट करेंगे। क्लियर है, मतलब पूरे स्टेट की स्क्रीनिंग होगी इन अ सिंपल वे। सो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। हु हैज बीन असाइंड विद एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन। सो अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नर है लालजी टंडन, वो कुछ सपोर्टिकल लीव में चले गए हैं, कुछ इमरजेंसी लीव में चले गए हैं। सो अभी ये जो गवर्नर की जो प्लेस है ये कुछ टेम्प्ररी टाइम के लिए वेकेंट है। सो इसको कौन संभालेंगे, इसको संभालेंगे आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नरशिप संभाल ही रहे हैं, साथ साथ में मध्य प्रदेश को भी संभालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव सिंथेसाइज्ड अ नोवल इनऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड दैट कैन इनहिबिट
ब्रेस्ट लंग एंड लिवर कैंसर सेल। तो कौन से इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट है उन्होंने हाल ही में एक कंपाउंड तैयार किया है, ये कंपाउंड है नोवल इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाइब्रिड कंपाउंड, ताकि ये जो लंग ब्रेस्ट और लिवर जो कैंसर सेल है इनको प्रिवेंट किया जा सके, इनके जो सेल्स की जो ग्रोथ को रजिस्ट किया जा सके, डेवलप करने में रोका जा सके। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच इंडियन स्टेट एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प लो इनकम ग्रुप्स टू गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन से स्टेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया है ताकि जो लो इनकम ग्रुप्स है उनको अफोर्डेबल हाउस एक्सेस हो सके। सो द स्टेट इज तमिलनाडु। सो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक ये साथ में एग्रीमेंट करेंगे ताकि जो लो इनकम ग्रुप्स है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, या फिर जो भी अभी जो भी कंडीशन में वो रह रहे हैं उस कंडीशन को सुधारा जा सके, क्लियर है? सो फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम फॉर $200 मिलियन एंड तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर $50 मिलियन। सो इसके अंदर टोटल $250 मिलियन एलोकेट हुए हैं। एक तो ये होगा कि उनके जो हाउसिंग को और स्ट्रेंथन मिलेगी, मतलब जो कच्चा मकान है उसे पक्का किया जाएगा, जो भी उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए वो होगा, और सेकेंड है कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। व्हाट वाज द थीम ऑफ 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन सबमिट। सो 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की थीम क्या है? सो इसकी थीम है कोसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन ये जो थीम है 36th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, और ये जो सम्मिट है इसको चेयर किया था वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इसको चेयर किया था, और जो मेन फोकस था इस मीटिंग का ये था कि कैसे अपन COVID-19 के जो सिचुएशन को हैंडल करें, जो भी पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी है, मतलब कोविड के बाद कितने सारे प्रॉब्लम्स को हमें रिकवर करना है, जो फाइनेंशियल क्रंच है उसे भी स्टेबलाइज करना है, तो इन सब के ऊपर मीटिंग रखी गई। नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी है। पीएम मोदी एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ टू सपोर्ट माइग्रेंट्स एंड पुअर लेबरर्स। सो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंशन दिया है। सो कितने टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है? सो अब ये नवंबर 2020 तक हम इस स्कीम को एक्सेस कर पाएंगे। इस स्कीम के तहत मतलब लोगों को जो भी माइग्रेंट पीपल है या पुअर लोग हैं उनको फूड दिया जाएगा, फूड सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी की जाएगी ताकि उनकी जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में जो भी खर्चे हैं वो संभाल सके। और ये जो स्कीम है ये नवंबर 2020 तक चलेगी, मतलब आप समझ सकते हैं कि दिवाली के बाद और छठ पूजा के बाद भी इस स्कीम को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स भी है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वापस रीअपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है, और कितना एक्सटेंशन दिया गया है, और कौन से पर्सन है जिनको वापस ये अपॉइंट किया गया है? सो ये है के वेणुगोपाल, इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय रामनाथ कोविंद, एंड इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Who laid the foundation stone for Sanskritic Sadbhav Mandap at Numaish Ground in Rampur, Uttar Pradesh? So, हाल ही में किस मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का
जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। सो इसको मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दैट इज मुख्तार अब्बास नकवी ने इनॉग्रेट किया है। क्लियर है? ताकि इसका एम यही था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके और एक भारत श्रेष्ठ भारत को, ये जो हमारा जो मोटो है, ये जो कैंपेन है, इसको बढ़ावा दे सके। हाँ चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। द वर्ल्ड बैंक एनहेंस द सपोर्ट टू इंडियाज प्रोग्राम टू रिजुविनेट द गंगा विद हाउ मच फंडिंग थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो फंडिंग एलोकेट की है गंगा रिजुविनेशन के लिए, और इसको जो फंडिंग मिलेगी ये मिलेगी सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के तहत। सो कितना जो अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड किया गया है और गंगा रिवर बेसिन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। सो 400 मिलियन US डॉलर वर्ल्ड बैंक सपोर्ट देगी गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो गंगा के जो रिवर बेसिन के ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट का काम होना चाहिए वो स्मूथली रन हो, और जो भी जो क्लीनिनेस ड्राइव है, जो भी साफ सफाई का जो अभियान है जो हमने गंगा तट पे जो जारी किया है उसको और अच्छे से पूरा कर सके। हु रिलीज द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड टाइटल्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट बनाई है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर, और इस रिपोर्ट का टाइटल है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सो फैटएफ ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहती है। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट टाइटल की है। इस रिपोर्ट के अंदर ये देखेंगे कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, जैसा कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसे आप सेल आउट नहीं कर सकते लेकिन उस पर भी हम ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो जानवरों की जो अपन जो टूथ होते हैं, जो उनकी जो स्किन है, वो ट्रेड करते हैं इलीगल तरीके से। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए फैटएफ ने ये रिपोर्ट जारी की है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो द आंसर इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज अ ग्लोबल थ्रेट विच जनरेट एस्टिमेटेड रेवेन्यूज बिटवीन 7 to 23 बिलियन डॉलर अ ईयर। तो देख सकते हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है, और एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज को एक थ्रेड भी होता ही है, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जो इनडेंजर्ड है, जो विलुप्त होने वाली है। अगर आप इसकी ट्रेडिंग कंटिन्यूस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी की पूरी विलुप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमें और भी डिजीजेज जो फैलती है उसका भी सामना करना पड़ता है, जैसा कोविड है। कोविड जैसा हमने देखा ही था कि रिसर्च से और बाकी जो साइंटिस्ट है चाइना के, वो भी कह रहे थे कि ये जो डिजीज आई है ये एनिमल्स से आई है, जो ट्रेडिंग हुई है एनिमल्स की उसके कारण से आई है। जैसे जो कहते हैं ना चमगादड़ के सूप पीने से या इनको खाने से फैला है, तो ऐसा सच ही एक रीज़न हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग से, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग से अपन बहुत सारी डिजीज को इन्विटेशन दे देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who received the humanitarian award at 20th edition of annual BET awards for her long-standing philanthropic work, including recent COVID-19 relief efforts? So, हाल ही में किसे humanitarian award मिला गया है? किसलिए मिला गया है? क्योंकि इनका जो philanthropic काम था COVID-19 के अंदर, बहुत सारे लोगों को financial assistance provide कराना, खाना पहुँचाना, so इन सब कामों को देखते हुए सो इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सो ये है बियॉन्से, ये ग्रैमी विनर है, आपको पता ही है कि सिंगर है ये। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच स्टेट लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल्स फॉर द COVID-19 प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल COVID-19 के लिए, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। सो इसको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल से क्या होगा कि हमें थोड़ा और स्टडी करने को मिलेगी कोविड के जो वायरस के ऊपर, और ये भी देखेंगे कि क्या इसके जो
जो ट्रीटमेंट है, क्या इसकी जो वैक्सीन है इसको बनाए बनाया जा सके, कैसे हम इस वायरस को रेजिस्ट कर सके। तो इन सब का जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी हद तक हमें इसके आंसर प्रोबेबली प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल से मिल जाए। ऐसा श्योर नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द इनहेंस्ड बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक्स टिल विच डेट टू मीट द लिक्विडिटी शॉर्टेज इन द मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉजेस बाय द कोरोना वायरस एपिडेमिक। तो हाल ही में जो आरबीआई ने जो जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये कैसा पीरियड था, कौन सा पीरियड था? ये पीरियड था कि जो स्केड्यूल्ड बैंक है, हमारे जो अदर बैंक है, वो आरबीआई से बोरो कर सकती थी। मतलब जो पर्टिकुलर जो लोन अमाउंट है वो आरबीआई से बोरो कर सकती थी। ये एक टाइम पीरियड एलोकेट किया गया था, ये सब टाइम पीरियड को और बढ़ा दिया गया है ताकि जो लिक्विडिटी शॉर्टेज है उसको क्या कवर किया जा सके, जो कोरोना के कारण जो लिक्विडिटी क्रंच आया है। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक है वो आरबीआई से ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएगी और लोगों में क्या कर पाएगी, जो भी जो इंडिविजुअल को नीड है उसको फैसिलिटेट कर पाएगी। सो इसको किस डेट से एक्सटेंड किया गया है, सितंबर 30, 2020। इस डेट तक कोई भी स्केड्यूल बैंक आरबीआई से बोरो कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Which state launched the online aid initiative at one click with rupees 1,369 crore for around 13,000 MSME? So, कौन से स्टेट ने हाल ही में एक ऑनलाइन एड इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है एट वन क्लिक। इससे क्या होगा कि 1,369 करोड़ पहुँचाया जाएगा 13,000 MSME को। इसके अंदर जो भी आपके जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं, जो भी छोटे बड़े कारोबार होते हैं, इनको इतना अमाउंट ऑफ लोन दिया जाएगा। सो द आंसर इज गुजरात। गुजरात स्टेट ने ये ऑनलाइन एड इनिशिएटिव लॉन्च किया एट वन क्लिक। इससे 1,369 करोड़ का जो लोन है वो 13,000 MSME जो कंपनीज है उनको दिया जाएगा। जो भी छोटे बड़े कारोबार है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है गुजरात के अंदर, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। और अगर किसी वर्ड को मैंने मिसस्पेल्ड किया है या फिर गलत प्रनाउंस किया है, सो एंड सॉरी फॉर डैट। और अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।